पुलिस का रवैया तुसी साफ देख रहे हो। शराब माफिया वालों पत्रकारों नाल कीती गई कुटमार मामले में 48 घंटे तो वध दा समा बीत गया, पर हाले भी तरन तारण पुलिस कार्रवाई तो दूर हजे तक बयान दर्ज तक नहीं करवा सकी है। किसी ना किसी बहाने मामले नूं दबाउण दी साफ कोशिश हो रही है। पत्रकारों नाल कीती बदसलूकी ते पुलिस दी चुप्पी कई वड्डे सवाल खड़े करती है। ताकतवर माफिया सामने कमजोर पई सरकार, माफिया दी रखेल बनी पंजाब पुलिस, पत्रकारां नाल बदसलूकी करन वालियां तो डरे एसएसपी साहब। शराब माफिया दी पंजाब पुलिस रखेल बन चुकी है ते रखेल बनी पंजाब पुलिस हुण माफिया दी बोली बोलन लग पई है। मौत दी दारू दा सच विखाउण वाले पत्रकारां नाल कीती गई कुटमार मामले विच 48 घंटे बीत जाण दे बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कीती गई। उल्टा स्थानक एसएसपी साहब मेडिकल करवाउण दी गल कह के साफ सुनेहा दे रहे ने कि ओ माफिया दी सुरक्षा विच ही लगे हुए ने। 120 तो वध सरकारी कतलां लई कौन जिम्मेवार है? सवाल सरकार अते प्रशासन लई गले दी हड्डी बनिया होया है। जदों पूरे नेक्सस दा भांडाफोड़ होण लग्या तां मीडिया दी आवाज नूं दबाउण दी सरकारी कोशिश होई। बेशक मीडिया नाल कुटमार सत्ता दे नशे विच चूर सरपंच साहब दे इशारे ते होई, पर इस पिछे मोढा सरकार अते स्थानक प्रशासन दा ही सी जिन्हां वल्लों सरपंच ते उसदे साथियां नूं शह दित्ती गई। अते ए इल्जाम नहीं सगो सच्चाई है, अते इस लई एसएसपी तक दे अफसर दी हिम्मत नहीं पै रही कि एक सरपंच खिलाफ कार्रवाई करन दे लई उतो एसएसपी साहब बेतुके तर्क दे के मामले तो मुंह मोड़ रहे ने। सब तो पहला मेडिकल करवा लो, थोड़ा मेडिकल होने तो ही कार्रवाई अगे शुरू होनी है। ठीक है, हुण तुहाडे चो आज किसी ने मैनू कहा कि सर इहदा नाल मिसबिहेव भी होया सीगा, मैन हैंडलिंग भी हुई सीगी, मैं उहदी भी दरखास्त ले के एक सीनियर रैंक ऑफिसर की इंक्वायरी लाई है। ठीक है, जल्दी तो जल्दी थोड़ी मेडिकल करवाओ, तुसीं जो कार्रवाई बनदी उह करवांगे। जिहड़े एसएसपी साहब सबूत मंग रहे ने शायद उह भुल चुके ने कि उहनां दी पुलिस दी टीम ने पत्रकारां नूं दरिंदे सरपंच दे घर तों रिहा करवाया सी। जेकर पत्रकार हिम्मत ना विखाउंदे तां शायद कोई वड्डी घटना भी वापर चुकी हुंदी। पत्रकार भाईचारा एसएसपी दफ्तर भी पहुंचा, पर हाले तक कार्रवाई करन दी बजाए पत्रकारां तों बयान दर्ज करवाउण दी गल कह के मामले नूं दबाउण दी कोशिश हो रही है। कोई शराब माफिया वालों पिंड पंडोरी गोला के जो मैं कवरेज करन गया सी, उत्थे मेरे नाल मार कटाई की गई, उत्थे मैनूं अगवा करके बंधक बना लिया गया, जिस तो बाद पुलिस वालों 40 घंटे बीत जाने के बावजूद भी हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं थाने बयान दर्ज भी करवाउण गया लेकिन उत्थे एसएचओ नहीं मिले। एसएचओ का कहना है कि मैं एसएसपी साहब दफ्तर मेरी मीटिंग चल रही है, मीटिंग तो बाद जो मैं आवाँगा उस तो बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। कल पूरे पत्रकार भाईचारे का वापस लेके एसएसपी साहब नूं मिले सी, उन्हां नूं मंग पत्र दिता सी, असीं 24 घंटे का अल्टीमेटम दिता सी उन्होंने कि 24 घंटिया के विच ये कुलविंदर सिंह बब्बू सरपंच के इहदे परिवारक मैंबरां के खिलाफ तो गुंडियां के खिलाफ तो एक KSIO के खिलाफ परचा दर्ज किया जाना चाहिए। जे अगर पुलिस अज परचा दर्ज नहीं करती तो फिर असी अपना जिहड़ा प्रोग्राम है ये पत्रकार यूनियन साडी तैयार बैठी है, असी एसएसपी साहब के दफ्तर के अगे उन्ना चिर धरना जारी रखांगे जिन्ना चिर पुलिस परचा दर्ज नहीं करती और उन्होंने बंदियां नूं फड़ के गुंडियां नूं अंदर नहीं दिंदी। पुलिस की चुप्पी अते वड्डे अधिकारियों की लेट लतीफी कई सवाल खड़े करती है कि पंजाब पुलिस माफिया की गुलाम बन चुकी है। पंजाब पुलिस माफिया की गुलाम क्यों बन चुकी है? कि गुलाम बनी पंजाब पुलिस तो इंसाफ की आस की जा सकती है? कि पंजाब पुलिस इन्नी कमजोर हो चुकी है कि माफिया सामने हिम्मत नहीं पै रही? कि जहरीली शराब का पैसा पुलिस खास करके एसएसपी दफ्तर तक पहुंचा? कि पंजाब पुलिस नु कार्रवाई करन तो कोई बड़ा सियासी आगू रोक रहा है? खाकी खादी दा कनेक्शन होर किन्निया जाना लवेगा? प्रेस की आजादी नु कुचलन वालियां कोचियां हरकतां किसी भी हालत विच कामयाब नहीं होण दित्तियां जाणगियां, चाहे इन्हां कोशिशां पिछे किन्ने भी सियासी मोटे होण, किन्ने खाकी चेहरे मोहरे बने होण। आखिरकार सच दी जित होवेगी। वो सारे चेहरे बेनकाब होणगे जिन्हां ने 120 तो वध सरकारी कतल कीते ते जिन्हां ने सरकारी कातलां नूं बचाउण दी कोशिश कीती। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।